यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्प सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है सैलरी

राइट आंसर इज विच एवर इज अर्लियर अगर आपको सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है या रिसिव टैक्सेबल हो रही है एवर इज अर्लियर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने जॉब किया कहीं पर आपको पैसा अभी तक मिला नहीं है पैसा हो सकता है एक साल बाद मिलेगा तो भी अभी आपको टैक्सेबल हो जाएगा और अगर आपको कोई एडवांस में सैलरी मिल जाती है तो भी टैक्सेबल अभी हो जाएगी बिकॉज रिसिव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा एक और चीज समझना अगर कोई भी पार्टनर है और पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी मिलती है रेम्युन मिलता है तो ध्यान रखना इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी क्योंकि पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप का नहीं है ही इज पार्ट ओनर ही इज अ ओनर ऑफ द दरशिप फर्म उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा सैलरी मिलेगी दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी एक और चीज समझना एमपी एमएलए एमएलसी जो रहते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होती है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस मींस देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन They are of the people, और उनको जो भी सैलरी मिलेगीबल इनकम सर्विस अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दे रखा है यह हमेशा ध्यान रखना बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दे रखा है अंडर दीजीबीपी अब एक और चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि अगर आप सैलरी किसी को फोरगो कर देते हो जैसे मान लो आपकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन आप सैलरी जो है वो फोरगो कर देते हो तो भी क्या आपके हाथ में टैक्सेबल होगी आंसर इज यस जैसे मान लो आपको सैलरी मिलने वाली है आपने बोला कि ये वाली सैलरी गरीबों में बांट दो तो भी वो सैलरी आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी इसको बोला जाता है सैलरी फॉरगोन लेकिन एक चीज समझना अगर आप सैलरी है वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो एक रूल होता है उसके हिसाब से अगर आप चाहो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर कर सकते हो और अगर आपने गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर कर दी तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है एक और चीज समझना बहुत बार क्या होता है आप जब जॉब ज्वाइन करते हो उससे पहले कोई पैसा मिलता है या जॉब से रिटायर हो जाते हो उसके बाद में कोई पैसा मिलता है लाइक ग्रेचुअटी वगैरह देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा चलिए इस टॉपिक में हम सीखने वाले क्या है इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करना है और सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए टोटल टोटल यहाँ पे इतने सारे नोट्स है और अगर आप 17 नोट सीख लोगे तो आपको सैलरी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है वो हमेशा टैक्सेबल होता है बेसिक सैलरी का मतलब होता है एक बेस सैलरी के भैया इतना तो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी वो हमेशा टैक्सेबल होता है दूसरा आपका होता है डियरनेस अलाउंस डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता

क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एडवांस में सैलरी मिल गई तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी yes. हो जाती है. जैसे मेरा एक, एक तारीख को सैलरी दे दोगे तो जैसे ही सैलरी दी उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी टैक्सेबल तो हो जाती है या बहुत बार कोई ऐसा बोलता है ना एक साल की पूरी एडवांस में सैलरी चाहिए तो जैसे ही आप सैलरी दोगे वो टैक्सेबल हो जाती है लेकिन एक चीज समझना बहुत बार एग्जामिनर बोलता है कि या सिर्फ एडवांस दे रखा है तो ध्यान रखना वो एडवांस सैलरी नहीं है एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्ड यूज किया है या ओनली एडवांस दे रखा है इसका मतलब ये लोन है और लोन टैक्सेबल नहीं होगा लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होता एडवांस सैलरी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट आता है अरियर सैलरी अरियर सैलरी का मतलब होता है कि अगर मान लो सैलरी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है

लेकिन एक चीज समझना अगर ग्रेचुअटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है नॉर्मली ग्रेचुअटी है वो रिटायरमेंट के टाइम ही मिलती है तो अगर uh -hmm. नॉर्मली ग्रेचुअटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेचुएटी मिला तो वो एग्जेम है या टैक्सेबल है उसमें डिपेंड करेगा कि वो एम्प्लॉय है कौन और यहां पे एक्जेम्शन मिलती है अंडर सेक्शन 10 10 में और 10 10 की एग्जेम्शन ये बोलती है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि अगर वो दामाद जी है करके ठीक है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको जो भी ग्रेजुटी मिलेगा ना रिटायरमेंट के टाइम पे वो फुल्ली एग्जेम्ट है उस पर कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है

अब एक चीज समझना पोगा एम्प्लॉय के केस में एक्जेंशन कितना मिलेगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं पोगा एम्प्लॉय के केस में एक्जेम्पन लेने के लिए आप एक काम करिए सबसे पहले लीजिए 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाय नंबर ऑफ इयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस सेकेंड इज अक्उंट रिसीव एंड थर्ड इज अवेंटी लैक विच एवर इज लोअर है उतने की आपको एक्सम्पन मिल जाएगी तो मैंने क्या बोला सबसे पहले पोगा एम्प्लॉय पोगा एम्प्लॉय का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट लगता है तो वहां पर एग्जेशन कितना मिलेगा सबसे पहले आप एक काम करिए फिफ्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाय बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस

लेटेस्ट उसका बेसिक सैलरी कितना था और लेटेस्ट उसका डीए कितना था वो आपको टोटल करना है लेटेस्ट मीन अभी उसका बेसिक सैलरी कितना चल रहा था एंड लेटेस्ट उसका डीए कितना था डीए में आपको दोनों डीए लेना है डीए इन भी लेना है नॉट इन टर्म्स भी लेना है और यह आपका हो जाएगा बेसिकली सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के उसने कितने साल की सर्विस कंप्लीट की है लेकिन यहां पे एक चीज समझना जब आप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हैं ना तो यहां पे मंथ में अगर मान लो आपका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में छह महीने से ज्यादा है तो आपको क्या करना है राउंडेड ऑफ करना है छह महीने से ज्यादा है तो राउंडेड ऑफ करना है जैसे थर्टी ईयर्स और फोर मंथ है तो आपको थर्टी ईयर्स ही लेना है थर्टी इयर्स और एग्जैक्ट सिक्स मंथ है तो भी थर्टी इयर्स लेना है लेकिन अगर आपका थर्टी इयर्स और नाइन मंथ है तो यहां पे आपको थर्टी वन ईयर लेना है मीन यहां पे आपको थर्टी वन लेना है इन केस ऑफ द पोगा एम्प्लॉय तो मैंने क्या बोला पोगा एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करना है पंद्रह अगस्त डिवाइड बाई छब्बीस जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर वन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस अब सैलरी पर मंथ में लेना है लेटेस्ट बेसिक सैलरी है और मल्टीप्लाई आपका क्या करना है, 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 तो है। यह तो बात हो गई पोगा एम्प्लॉय की लेकिन अगर बात करते हैं नॉन पोगा एम्प्लॉय की तो नॉन पोगा एम्प्लॉय के के में आपको क्या करना है कितना एग्जामेशन मिलेगा तो सबसे पहले आप एक काम करिए वन बाय टू कर दीजिए इसका मतलब हाफ करिए वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई एवरेज सैलरी पर मंथ लेना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड सेकेंड इज एक्चुअल ट्वेंटी लैक वही वाला सेम है अब एक चीज समझना यहां पर वन बाई टू के बाद में एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है आप एक काम करिए कि भैया लास्ट के टेन मंथ का आपका बेसिक सैलरी कितना था डी ए

या नॉन पोगा अगर पोगा है तो तो पोगा के केस में आपको क्या करने का 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी परमन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड यहां पे सैलरी परमन में लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेना है लेटेस्ट डीए लेना है और डीए में दोनों आपको लेना है और जब भी आप इयर्स लोगे राउंडेड ऑफ करना है सिक्स मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो और दूसरा एक्चुअल अमाउंट तीसरा मैक्सिमम ट्वेंटी लाख रुपीज मैक्सिमम ट्वेंटी लाख अब एक बात समझना नॉन है तो मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एवरेज सैलरी पर मंथ में आपको क्या लेना है लास्ट के टेन मंथ का बेसिक प्लस डी एन टर्म्स प्लस टर्न ओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है अब एक और चीज समझना अगर मान लो एक एम्प्लॉय है रिटायर हुआ एक जगह से और उसको कोई ग्रेजुटी मिला और उसने एग्जामेशन लिया एट लाख का अब उसने कुछ नया जॉब ज्वाइन किया और वहां से वापस रिटायर हुआ और अब वहां से जब वापस रिटायर हो रहा है ना तो ध्यान रखना कि वहां पे लेते टाइम आप 8 लाख का लेतेमशन पहले ले चुके हो तो रिमेनिंग वाले के लिए आप मैक्सिमम 12 लाख का ही एग्जामेशन ले लेते सकते हो इसका मतलब यह जो यहां पे ट्वेंटी लैख का लिमिट होता है ना दिस ट्वेंटी लैख का लिमिट इज फॉर द ओवरऑल ग्रेचुअली एग्जामेशन फ्रॉम मल्टीपल एम्प्लॉयर मिस अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयड थे और मल्टीपल एम्प्लॉयर से आपको ग्रेचुअटी मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में ट्वेंटी लैख का लिमिट है वो आपके टोटल लगे लगेगा चलिए उसके बाद नेक्स्ट नोट पे चालू करते हैं पेंशन पेंशन का मतलब टेंशन नहीं पेंशन पेंशन क्या होता है तो देखो पेंशन दो तरीके की होती है एक तो होती है अनकम्यूटेड पेंशन या जिसको हम मंथली पेंशन बोलते हैं जैसा कि आपके मान लो दादाजी कहीं पे काम करते थे तो उनको पेंशन मिल रही होगी हर महीने तो दैट इज योर पेंशन पेंशन या जिसको मंथली बोलते हैं मंथली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल लेकिन अगर अपन बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन आप एक साथ में पेंशन ले लीजिए जिसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन या लमसम पेंशन तो अगर मैं कम्यूटेड

लेकिन अगर ग्रेचुएटी नहीं मिल रही तो आपको टोटल पेंशन का वन हाफ है उतना एग्जेम्पन मिल जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला पेंशन पेंशन का मतलब जो पेंशन मिलती है दो तरीके की पेंशन होती है वन इज द आपको हर मंथ मिलती है और एक बहुत बार ऐसा होता है आप एक साथ में ले लेते हो एक मुफ्त ले लेते हो लमसम में ले लेते हो तो अगर आपको मंथली पेंशन मिलती है अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉ लेकिन अगर आपको लमसम पेंशन मिलती आपको मंथली पेंशन मिलती है मैंने क्या बोला देखो मंथली पेंशन मिलती है हर महीने पेंशन मिलती है जिसको अनकम्प्यूटेड पेंशन बोलते हैं टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय लेकिन अगर आप लमसम पेंशन ले लेते हो एक साथ में पेंशन ले लेते हो तो उसमें एक्जशन मिलेगा गवर्नमेंट एंप्लॉय के लिए पूरा है अदर एम्प्लॉय के लिए देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेचुटी मिल रही है अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल पेंशन का वन थर्ड है, और नहीं मिल रही तो टोटल आप सीधा थ्री लैख का वन थर्ड नहीं करोगे या थ्री लाख का वन टू नहीं करोगे आपको क्या करना पड़ेगा वो थ्री लेख का जो पेंशन आपको मिला है वो तो सिक्सटी के लिए मिला है ना पहले आपको टोटल पेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और टोटल पेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे कि जो थ्री लैख मिला है दैट इज डिवाइड बाय सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट के लिए कितना होगा फाइव लैख होगा तो फाइव लैख का वन थर्ड या फाइव लैख का वन टू है उतना आपका एग्जाम हो जाएगा चलिए अब अपन चालू करते हैं नोट नंबर एट दैट इज द लीव सैलरी लीव सैलरी क्या होता है कि बहुत बार आप जो आप जो लोग हैं वो लीव लेते ही नहीं है मीन एम्प्लॉय ने लीव दिया क्या भैया हर साल में आप मान लो ट्वेंटी डेज या थर्टी डेज का लीव लीजिए बट आप लीव लेते ही नहीं हो आप तो भी जॉब पे जाते हो तो उसके लिए जो पैसा मिलता है दैट इज योर लीव लीव सैलरी सैलरी अब एक बात समझना लीव का मतलब होता है दैट इज एनकैशमेंट ऑफ द यूटिलाइज लीव जो आपकी अनयूटिलाइज लीव थी ना उसको आप एनकैश करा रहे हो अनयूटिलाइज लीव को आप एनकैश करा रहे हो उसका पैसा ले रहे हो दैट इज कॉल योर लीव सैलरी अब लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है मीस आपका जॉब भी चल रहा है और अगर

तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसव एंड चौथा ट्वेंटी फाइव लैक यहां पे बेटा अमेंडमेंट हुआ है लास्ट ईयर तक थ्री लैक हुआ करता था बट नाउ इट इज अ ट्वेंटी फाइव लैक विच इज लोअर तो मैंने क्या बोला सबसे पहले आप एक काम करिए लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ टेन मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ एक्चुअल अमाउंट रिसीव एंड मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव अब यहां पर एक चीज समझना लीव क्रेडिट किसको बोलते हैं तो लीव क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका लीव क्रेडिट है कितना मिस कितनी लीव आपको अलाउ की थी और उसमें से आपने कितनी लीव ले ली तो उसका जो बैलेंस रहेगा योर लीव लीव क्रेडिट जैसे अलाउड माइनस लीव टेकन को आप लेस कर दीजिए जो बचेगा दैट इज कॉल योर लीव क्रेडिट अब एक चीज समझना लीव अलाउड में आप कितना लोगे है? लीव अलाउड लेते टाइम जो एम्प्लॉय जितना भी लीव अलाउ कर रहा है वो लोगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम कंप्लीटेड ईयर का मैक्सिमम थर्टी डेज का लीव हो सकता है मिस एक साल के लिए थर्टी डेज का लीव है वो मैक्सिमम लीव अलाउड हो सकता है अगर उससे ज्यादा दे रखा है तो आपको छोड़ना है आपको लीव अलाउड में सिर्फ थर्टी डेज ही लेना है फॉर द कंप्लीटेड ईयर

माइनस लीव टेकन उसने कितना लीव लिया तो जो बैलेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड लीव क्रेडिट यहां पे एक और चीज समझता ये जो लीव क्रेडिट आएगा ना इसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ डेज दे रखा है तो आप एक काम करिए डिवाइड बाय 30 कर दीजिए आपका मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे एग्जामिनर बहुत बार आप अगर कैलकुलेट करोगे 120 डेज का लीव आया तो 120 डेज का लीव आया मतलब ये फोर मंथ का लीव है तो आप यहां पे लीव क्रेडिट जो है वो फोर मंथ आ जाएगा अगर ये ठीक है तो फोर मंथ दैट इज लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ अब क्वेश्चन यहाँ आता है एवरेज सैलरी पर मंथ में क्या लेना तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है कि जब रिटायर हुआ ना उस एग्जैक्टली exactly उस डेट से पिछले टेन मंथ का आप बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का एवरेज लीजिए मीन जिस डेट को रिटायर होता है उस डेट को छोड़ दीजिए उसके एग्जैक्टली exactly लास्ट के टेन मंथ का एक काम करिए बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज ले लीजिए वो आपको मिल जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब अपन नेक्स्ट नोट पर चलते हैं दैट इज योर का मतलब होता है वॉलिट्रीली रिटायरमेंट स्कीम अब एक बात समझना बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉई का रिटायरमेंट है वो ड्यू होना बाकी है अभी तक रिटायर हुआ नहीं है लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि अगर आपको चाहे तो आप वॉल्ट्रीली रिटायरमेंट ले सकते हो आपको एक कंपनसेशन मिलेगा आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड तो VRS अगर किसी को मिलता है तो उस उसपे क्या एक्शन मिलेगा आंसर इज यस उस पे मिलेगा अंडर सेक्शन टेन टेन सी में और यह कितना मिलेगा तो उसके लिए आप एक काम करिए सबसे पहले ले लीजिए सैलरी पर मंथ कितना है मल्टीप्लाई बाय थ्री मंथ कर दीजिए तो मतलब किया था यहां पर भी अगर आपका है, तो वो इग्नोर करना है अगर फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है वो आपको इग्नोर करना है जैसे 25 फाइव और नाइन मंथ दे रखा है तो आपको 25 फाइव ईयर लेना है तो सैलरी पर मंथ बाय थ्री मंथ मीन थ्री मंथ का सैलरी हो गया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस नाउ आप एक काम करिए सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग सर्विस मीन आपका कितना सर्विस रिमेनिंग रहा है जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ऐसा दे दे कि आपका इयर्स का सर्विस रिमेनिंग है तो फाइव इयर्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्थ मतलब का सर्विस है वो आपका रिमेनिंग है तो आप एक काम करिए सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी कर दीजिए तीसरा आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट और चौथा मैक्म फाइव लैक एवर इज लोअर है उतना एवर इज लोअर है उतने का आपको एक्जेम्पन मिल जाएगा तो देखिए एक्जेम्पन कितना मिलेगा वीआरएस के केस में तो वीआरएस के केस में आप एक काम करिए सबसे पहले सैलरी पर मंथ लीजिए अब सैलरी पर मंथ में क्या लेगा कि तभी का आपका बेसिक सैलरी कितना है डी एंड टर्म्स कितना है एंड प्लस टर्न कमीशन कितना है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला कितना है प्लस टर्न ओवर कमीशन कितना है वो ले लीजिए दैट इज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय थ्री मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस सेकंड क्या है सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस एंड थर्ड क्या है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड फोर्थ क्या है मैक्सिमम फाइव लाख विच एवर इज लोअर है उतने का एक्जेमशन आपको मिल जाएगा अब एक और चीज समझना नोट नंबर थर्टी आता है दैट इज द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है कि बहुत बार एम्प्लॉइज को हटा दिया जाता है जॉब से एम्प्लॉयज को हटाया जाता है जॉब से इसका मतलब ये होता है 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 कि जैसे कंपनी जो है वो करती है ना चटनी होगा कि इतने एम्प्लॉय की चटनी कर दी इस कंपनी ने टेन परसेंट एम्प्लॉय कम कर दैट दीट अगर रिट्रेंच कर रहे है, तो अगर आप एम्प्लॉय को निकालते हो तो उसको कोई कंपनसेशन देते हैं एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है तो क्या उस उसपे एक्सेंशन मिलती है आंसर इज यस उस एक्जेंशन मिलती है अंडर सेक्शन टेन टेन बी में और टेन टेन बी में एक्जेम्पन कितनी मिलेगी उसमें दो पार्ट है विच इज लोअर सबसे पहला जितना कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है मीन कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैगजिम फाइव लैख विच इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्शन मिल जाएगा तो एक्जेंशन कितना मिलेगा एक्जेम्पन मिलेगा कि जो कंपनसेशन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम फाइव लैक विच इज लोअर बट सर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होता है तो उसके लिए आप एक काम करिए सबसे पहले लीजिए 15 डिवाइड बाय 26 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट थ्री मंथ लास्ट थ्री मंथ का एवरेज सैलरी कितना है वो ले लीजिए और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और यहां नंबर ऑफ ईय ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम आपको ध्यान रखना है अगर फ्रैक्शन छह महीने से ज्यादा है तो यहां पे आपको राउंडेड ऑफ करना है एक बात बताऊं आपको देखो दो जगह ही ऐसी है जहां पे आपको ईयर का फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ करना है एक तो ग्रेचुअटी में पोगा एम्प्लॉय और दूसरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बस दो जगह ही ऐसी है जहां पे आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है उसमें छह महीने से ज्यादा के फ्रैक्शन को राउंडेड ऑफ करना है एक तो ग्रेचुटी में पोगा एम्प्लॉय और दूसरा ये तुम्हारा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वाला अब यहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ लेते टाइम आपको सैलरी की डेफिनेशन में क्या लेना है तो सैलरी की डेफिनेशन में आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए इन एक बात बताऊं मैक्सिमम जगह आपके सैलरी की डेफिनेशन में यही आएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए इन सिर्फ ध्यान रखना एक तो तुम्हारे वहां पे जो ग्रेचुएटी में अपन ने पोगा एम्प्लॉय पढ़ा था वो पोगा एम्प्लॉय में वहां पे सैलरी में बेसिक प्लस डीए दोनों है डीए दोनों है करके ठीक है वहां एक जगह चेंज है अदरवाइज आप देखोगे तो हर जगह यही डेफिनेशन है सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेकिन पोगा एम्प्लॉय में ग्रेजुएटी एग्जामिशन लेते वहां पे प्लस में लिखा हुआ था लेना है नॉट इन भी लेना है, इन भी लेना है पोगा में। और एक में की में चेंजेस इन केस हाउस फैसिलिटी पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको एक चेंज बताऊंगा चलिए अब अलाउंसेस की अलाउंसेस क्या होते हैं कि जैसे बहुत बार हर महीने आपको कुछ ना कुछ खर्चे होते तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एक फिक्स पैसा दे देता है कि चलिए इतना पैसा मिलेगा आपको खर्चा करना है तो करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है ठीक है जैसे एचआर हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है हर महीने एम्प्लॉयर आपको एक पैसा देता है एक फिक्स अमाउंट देता है आपको खर्चा करना है तो करो आपको घर लेके रहना है घर लेके रहो रोड पर रहना है रोड पर रहो आपको अगर मान लो रेलवे स्टेशन पे रहना है रेलवे स्टेशन रहो आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस अब एक चीज समझता अलाउंसिस केस में क्या होता है आपको एक्जेम्पन मिलती है वो एक्जेम्पन मिलती है अंडर सेक्शन टेन फोर्टीन करके अब यह कितनी मिलती है क्या मिलती है अपन एक काम करते हैं इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था दैट इज द कुत्ता टी सी उधर है करके आपको इसको ऐसे याद रखना है कुत्ता टी सी उधर है करके ठीक है कुत्ता एक कुत्ता अलग है एक है टीसी उधर और एक है, है। है का मतलब होता है एचआर लास्ट में कुत्ता में सबसे पहला आप ऑफिस से घर पे जाओ घर से ऑफिस जाओ और उसके लिए आपके कुछ खर्चे होते हैं तो ऑफिस से घर घर से ऑफिस के लिए आपको कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है तो कम्यूटेशन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो उसके सामने आपको एग्जेम्पन मिलेगी बट एग्जे सिर्फ यहां पर किसको मिलती है दिव्यांग एम्प्लॉय को अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो ब्लाइंड है डेफ है या फिर डम्ब है या है, दिव्यांग है उसको एग्जेम्शन मिलती है मैक्सिमम थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पर मंथ की मैक्सिमम थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पर मंथ जैसे पर 5, का मिलता है तो आउट ऑफ दैट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड इज एक्सम रिमेनिंग एटीन हंड्रेड इज टैक्सेबल अगर मिलता ही टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो पूरा ही टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाएगा बट ध्यान रखना यह एक्जेंशन सिर्फ किसको मिलती है दिव्यांग एम्प्लॉय को दूसरा सी सी में देखिए तीन है कुत्ता में सी में तीन है दूसरा जो है दैट इज द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्स मिलता है कितना पता है मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड सो मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है उसका एक्जेंशन मिलेगा मैक्सिमम थ्री पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड उसके बाद यू यू का मतलब होता है अंडरग्राउंड अलाउंस जो माइंस में काम करते हैं उन एम्प्लॉज को मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस उसमें ग्राउंड मिलेगी मैक्सिमम 800 पर मंथ उसके बाद में आपका कुत्ता टी का मतलब होता है यहां पे दैट इज ट्राइबल एरिया अलाउंस जो ट्राइबल एरियाज वगैरह जैसे मान लो छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज है मान लो वो ट्राइबल एरियाज है तो ट्राइबल एरियाज में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है उसमें आपको एक्जेम्शन मिलेगी मैक्सिमम टू पर मंथ उसके बाद में अलाउंसेस फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कुत्ता आ, आ मतलब लास्ट दैट इज टू एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो ड्राइवर होते हैं कंडक्टर होते हैं उनको एक जो अलाउंस मिलता है उसमें एक्जिशन मिलेगी जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसका सेवेंटी परसेंट या टेन थाउजेंड पर मंथ विच एवर इज लोअर है उतने का एक्जिशन मिल जाएगी तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है कुत्ता करके ठीक है तो तीन सी वाले यू टी एंड ए दैट इज कुत्ता तो देखिए सबसे पहले कुत्ता सबसे पहला कम्यूटेशन अलाउंस या जिसको अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं घर से ऑफिस ऑफिस से घर जो भी तुम्हारा उसको अगर ये मिलता है तो उसको एक्सम्पन मिलेगी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पर मंथ मैक्सिमम दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड एक्जेंशन मिलेगी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड एक्जेमेशन मिलेगी अंडरग्राउंड अलाउंस है उसमें मैक्सिमम 800 पर मंथ का एक्जेमशन मिलेगा ट्राइबल एरिया अलाउंस में मैक्सिमम 200 पर मंथ का एक्जेंशन मिलेगा एंड अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है उसमें जितना अमाउंट आपको रिसिव हुआ उसका 70% या मैक्सिमम 2000 मैक्सिमम 10000 पर मंथ विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जामेशन मिल जाएगी तो देखो कुत्ता में क्या है लिमिट है कि इस लिमिट है इतनी एग्जेमशन मिलेगी कुत्ते को अपने के लिमिट में रहने का तो लिमिट वाली एग्जामेशन मिलेगी उसके बाद टीसी उधर है तो सबसे पहले टीसी उधर है में क्या आता है तो टी का मतलब ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस यहां पे ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस का मतलब होता है बहुत सारे एम्प्लॉय है वो टूर पे ही रहते हैं जैसे मान लो सेल्समैन वगैरह दैट इज कॉल्ड ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस एक तुम्हारा कन्वेंस अलाउंस उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस उसके बाद डेली अलाउंस उसके बाद हेल्पर अलाउंस जो ऑफिस के लिए होता है तो टीसी उधर थर्ड इज यूनिफॉर्म डेली अलाउंस एंड सिक्स रिसर्च अलाउंस या जिसको अपन अकेडमिक अलाउंस भी बोलते हैं एक चीज समझना ये जितने भी अलाउंस है ना ये आपके एग्जाम उतने होंगे जितना एम्प्लॉय ने खर्चा कर दिया एम्प्लॉय ने जितना खर्चा किया वो एक्सम्प्ट है और बेटा बाकी वाला टैक्सेबल होगा जैसे मान लो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस या कन्वेंस अलाउंसेंड मिलाउेंड इज स्पेंड बाउस टैक्सेबल हो जाएगा तो मैंने क्या बोला यहां पर देखिए ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस अलाउंसर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस में आपको एक्जेम्शन कितना मिलेगा जितना अमाउंट एक्चुअली स्पेंड किया उतना एक्जेम बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एचआर

कोलकाता एंड चेन्नई सो so, मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई वहां पे अगर रहता है एम्प्लॉय तो उस पर्टिकुलर केस में 50%, रहता है, तो आपका तो आप यहां पे सैलरी प्लस डीए इन तो बेसिक सैलरी प्लस प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है दूसरा आपका एक्चुअल को कितना मिला एंड तीसरा आपको जितना रेंट एम्प्लॉय ने पे किया माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी तो जितना एम्प्लॉय ने रेंट पे किया माइनस टेन परसेंट ऑफ द सैलरी और सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस दिया इन टर्म्स प्लस कमीशन विच एवर इज लोअर है उतना आपको एक्जेंशन मिल जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला एचआरए का एक्जेम्स एचआरए का एक्जेम्पन मिलता है वो टेन थर्टीन ए में मिलता है कितना एक्जेम्पन मिलेगा तो फोर्टी और फिफ्टी परसेंट ऑफ द सैलरी दूसरा क्या है तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट रिसेट और तीसरा रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैरीज लोर है उतना एक्जेम्श मिल जाएगा अब एक बात बताऊं मैं आपको कुत्ता टीसी उधर है है को छोड़ के अगर कोई भी अलाउंसेस मिलता है, जैसे मान लो आपको कोई अदर अलाउंसेस मिल गया जैसे टिफिन अलाउंस मिल गया या मेडिकल अलाउंस मिल गया तो अलाउंस वर्ड अगर आपको दे रखा है और इसको छोड़ के अगर कोई भी दूसरा अलाउंस मिलता है तो समझना वो हमेशा टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए वो हमेशा टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉयज के लिए तो यहां पे ये वाला नोट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है अब अपन चालू करते हैं प्रोविडेंट फंड करके अब अपन चालू कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड अब एक बात समझता प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेसिकली कि जब एम्प्लॉई जॉब कर रहा होता है उस टाइम पे वो खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करता है कुछ कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर करता है और हर साल उस पर इंटरेस्ट वगैरह अक्यूमुलेट होता जाता है और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको एक लमसम पैसा मिलता है जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड एक बात बता दू मैंने आपको बताया हुआ है, है चार तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं एक तो होता है स्टेच्यूट्री प्रोविडेंट फंड स्टेच्यूट्री प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लगता है दैट इज स्टेट्यूट्री प्रोविडेंट फंड एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिकॉग्इज प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन

तो टैक्सेबल तो टेन थाउजेंड हो चुका होगा तो उसने जो टू थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है दैट इज आउट ऑफ हिज टैक्सेबल सैलरी ना तो यहां पे एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है ना वो खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने का लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो काय को बेनिफिट हुआ लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्ट हो जाएगा और जो इंटरेस्ट हर साल एक्मलेट होगा वो भी एक्जेम्ट हो जाएगा और लमसम पैसा जब मिलता है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे तो वो भी एक्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन इलेवन

तो एम्प्लॉई का जितना सैलरी है उसका अप टू 12% है वो एम्प्लॉई के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन अब एक और चीज समझना जो हर साल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसका क्या तो, तो हर साल जो इंटरेस्ट एक्युमलेट होता है आरपीएफ में वो 9.5% पर एनम तक एग्जम्प्ट है मिस जितना इंटरेस्ट एक्मलेट होगा जो फंड का बैलेंस है उसमें 9.5 परसेंट तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो एक्जेट है 9.5 परसेंट से ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करो एम्प्लॉय इग्नोर करो बट एडीसी में डिडक्शन मिलेगा Employer का है कॉन्ट्रीब्यून ऑफ सैलरी इंटरेस्ट जो आएगा वो एक्ट है अप टू बट रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा वो पूरा है अंडर सेक्शन टेन ट्वेल्व पूरा एग्जाम है लेकिन एक चीज समझना यहां पे रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेट होता है लेकिन वो एग्जेट तभी होगा जब एम्प्लॉय ने एटलीस्ट फाइव और मोर का सर्विस रेंडर किया है एटलीस्ट एम्प्लॉय ने फाइव इेंडर किया है तो एक्ट नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा एग्जेम होगा एक तो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है ड्यू टू द हेल्थ मीन एम्प्लॉय की जो हेल्थ ठीक नहीं थी और उसकी वजह से वो फाइव ईयर्स के अंदर अंदर रिटायर हो गया या फिर मान लो एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया करके ठीक है या फिर एंप्लॉय रिटायर हुआ और एम्प्लॉय ने क्या किया एम्प्लॉयर को यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसका जो भी आरपीएफ का बैलेंस है ना वो आरपीएफ का बैलेंस है वो न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दो Means अपने एम्प्लॉयर को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आरपीएफ में जितना भी बैलेंस है वो न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दो या फिर इसको न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस में ट्रांसफर कर दो अगर वो ऐसा इंस्ट्रक्शन के साथ रिटायर हो रहा है तो इवन ही हैज रिटायर्ड विद इन द पीरियड ऑफ फाइव इन तो भी उसको जो पैसा मिलेगा वो आपका एग्जाम हो जाएगा अब एक और चीज समझता यहां पर अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर अमेंडमेंट यह बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है देखो खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर है करके ठीक है खुद का कंट्रीब्यूशन है उसको अपन इग्नोर करते हैं क्योंकि वो टैक्स भरने के बाद जो पैसा पैसा आता है है उसमें उसमें पैसा डाला है। अब एक चीज समझना इस पे जो इंटरेस्ट आता है आप देखिए एसपीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी है आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो है अप टू नाइन पॉइंट पर एन लेकिन एक चीज समझना लॉ लॉमेकर बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने RPF और एसपीएफ में जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है ना वो खुद का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी एक्मट है लेकिन एक चीज ध्यान रखना उसका कंट्रीब्यूशन अगर टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है एंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा देखो मैंने क्या बोला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो भी एसपीएफ में करता है आरपीएफ में करता है का 2 ,000, ,000 का पर एनम तक कंट्रीब्यूशन है तो उस पर इंटरेस्ट आएगा वो एक्ट है या तो पूरा एग्जेम एसपीएफ में या आरपीएफ में नाइन तक एक्जेम लेकिन एक चीज समझना अगर उसने टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसने फोर लैख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो टू लैख फिफ्टी तक पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आपका एक्जेम्ट हो जाएगा लेकिन 250 के ऊपर वाला जो भी इंटरेस्ट आएगा एम्प्लॉय को वो जो एक्यूमुलेट होगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना यहां टू लैख फिफ्टी की जगह ये लिमिट फाइव लैख हो जाएगी अगर एम्प्लॉयर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है If कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है अगर एम्प्लॉय बेचारा खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है करके तो कर ठीक है चलिए उसके बाद में एक फंड होता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंडग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसकी रिकग्नेशन नहीं ले रखी है उसमें क्या होता है एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर करो एंड एटीसी का डिडक्शन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉय को नहीं मिलता तो आप एक काम करिए एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर करो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो जब पैसा डाला तब एक्जेमट है इंटरेस्ट जो मिलेगा हर साल इंटरेस्ट जो एक्मलेट होगा वो भी एक्जेम्ट है लेकिन बेटा जब पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तो क्या होगा यूआरपीएफ से तो यूआरपीएफ से पैसा अगर रिटायरमेंट पे मिलता है तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो था वो इग्नोर करना है क्योंकि एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो तो टैक्स भरने के बाद वाला पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था और वही वाला पैसा वापस मिल जाता है तो उसको इग्नोर करना है लेकिन एंप्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय देखिए मैंने क्या बोला अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर करो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यून जब किया तब एक्जेम है इंटरेस्ट आया वो भी है पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इग्नोर करो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी अब एक आता है दैट इज द सुपर एनुएशन सुपर एनुएशन फंड क्या होता है कि हर साल एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ एक साथ में लमसम कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कॉल्ड सुपर फंड एम्प्लॉयर करता करता है है खुद भी है. तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड देखो दो तरह के होते हैं अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आप इग्नोर करो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो एक्जेक्ट है बट कितना पता है अपटू सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड पर एनम बट ये लिमिट में आएगा

जैसे अपन ने यूआरपीएफ का यहां पे ट्रीटमेंट पड़ा था वैसा का वैसा रहेगा अनरिकोगनाइज दैट इज अनअप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड का चलिए अब अपन चालू करते हैं परक्यूजेट

और घूमने जाते हैं तो वहां पे जो आपका ट्रेवलिंग का खर्चा है वो एम्प्लॉयर आपको री करेगा एम्प्लॉयर आपको देगा दैट इज कॉल्ड लीव ट्रेवल कंसेशन तो लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो एम्प्लॉय को यहां पर एग्जेम्पन एक 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 मिलती है अंडर सेक्शन टेन फाइव और ये टेन क्लॉज नंबर फाइव में एक्जेम्पन कैसे मिलती है कितनी मिलती है तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ट्रेवल कौन से मोड से कर रहा है अगर एम्प्लॉय ट्रेवल है वो बाय एयर मीन फ्लाइट से जा रहा है अगर एम्प्लॉय है वो बाय फ्लाइट से जा रहा है तो जो भी इकोनॉमिक है एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने कितना इंकर किया एवर इज लोअर है उतने का एग्जे मिल जाएगा लेकिन एम्प्लॉय जो है वो किसी और मोड से जा रहा है मीन एयर से नहीं जा रहा फ्लाइट से नहीं जा रहा वो किसी और मोड से जा रहा है ट्रेन से जा रहा है बस से जा, जा रहा है बैलगाड़ी में जा रहा है बाइक लेके जा रहा है साइकिल लेके जा रहा है उसकी मर्जी है दूसरे किसी मोड से जा रहा है तो क्या होगा एम्प्लॉय जहां पे जा रहा है क्या वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो एक्जेम्पन कितना मिलेगा जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और फर्स्ट क्लास एसी का रेलवे फेयर फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर विच एवर इज लोअर है उतने का एक्जेम्पन मिलेगा लेकिन जहां पे वो जा रहा है वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं वहां रेल जाती नहीं है तो अगर वहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर केस में एक्जन कितना मिलेगा जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और डिलक्स क्लास का बस का फेयर डिलक्स क्लास बस का फेयर विच एवर इज लोअर बट अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है एज वेल well, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर फर्स्ट क्लास एसी रेलवे का फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जाम्शन मिल जाएगा तो देखिए एलटीसी का एग्जामेशन है वो मिलता है अंडर सेक्शन टेन फाइव कैसे मिलता है कितना मिलता है तो उसमें आपको ये देखना है आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो एम्प्लॉय ट्रेवल अगर बाय एयर फ्लाइट से कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक क्लास का फेयर इज लोअर किसी अदर मोड से कर रहा है आपको देखना है वहां रेल जाती है रेल जाती है तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर रेल नहीं जाती क्या वहां पर कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट बस की फैसिलिटी है आंसर इज यस तो रिकॉग्नाइज जो ट्रांसपोर्ट बस की फैसिलिटी है उसमें डिलक्स क्लास जो फेयर रहता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर और अगर वो भी नहीं है तो आप एक काम करिए सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे का एक्चुअल रेलवे का जो फेयर है फर्स्ट क्लास एसी का वो ले लीजिए और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर उतना एक्जेंशन मिल जाएगा अब एक बात समझना एम्प्लॉय यहां पर जब इंडिया के अंदर घूमने जा रहा है तो घूमने किस किस को साथ में लेके जाना है तो यहाँ पे साथ में किस किस को लेके जाएंगे तो एक्जेम्पन मिलेगा तो एक्जेंशन मिलेगा या तो एम्प्लॉय के जो खुद का ट्रेवल है डिपेंडेंट उस साथ साथ मतलब रिलेटिव में, में आएगा मदर फादर ब्रदर सिस्टर तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर अगर आप डिपेंडेंट है तो वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे उनके लिए भी आप एक्जेंशन का बेनिफिट ले सकते हो तो देखो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको भेजने आपको घूमने भेज रहा है फैमिली के साथ में भेज रहा है एक्जेम्पन किस पे मिलेगी एक तो एम्प्लॉय के खुद के ट्रेवल पे दूसरा स्पाउस तीसरा कौन चिल्ड्रन और चौथा कौन डिपेंडेंट रिलेटिव डिपेंडेंट रिलेटिव में आएंगे डिपेंडेंट मदर फादर ब्रदर सिस्टर अब यहां पे एक और चीज समझना यहां चिल्ड्रन के केस में मैक्सिमम आप एग्जेम्शन है ना वो दो चिल्ड्रन का ही ले सकते हो अगर वो दो चिल्ड्रन फर्स्ट अक्टूबर 1980 1998 के बाद बोर्न हुए हैं तो फर्स्ट अक्टूबर 1998 के बाद वाले मैक्सिमम दो बच्चों के ही आप ले सकते हो उसके उसके पहले के के कितने भी बच्चे हैं चलेगा बट बाद मैक्सिमम दो बच्चों पे ही आप एग्जामिशन ले सकते हो लेकिन एक चीज समझना यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है पहली बार आपने एक बच्चा हुआ पहली बार एक बच्चा हुआ दूसरी बार आपके ट्विंस हो गए मतलब दो बच्चे हो गए तो यहां पर एक बात बताओ पहली बार एक बच्चा हो गया था दूसरी बार आपने ट्राई किया दो बच्चे हो गए तो यहां पे तो टोटल तीन बच्चे हो गए तो भी एक्जेमशन पूरे तीन बच्चों पे मिल जाएगा क्योंकि दूसरी बार पता नहीं था ना कितने बच्चे होंगे लेकिन एक बात बताओ पहली बार अगर ट्विंस हो गए तो रुक जाते भाई अगर पहली बार ट्विंस हो गए थे और दूसरी बार आपका एक और बच्चा हो गया तो यहां पे टोटल तीन बच्चे हुए लेकिन आपको कितनों पे पे मिलेगा मिलेगा मैक्सिमम दो बच्चों पे आपको मिलेगा. यहां मैक्सिमम आपको दो बच्चे हैं उस पे मैक्मिशन मिलेगा अब एक और चीज समझना ये एलटीसी का एक्सामिशन है ना ये चार साल के पीरियड में आप कोई भी दो साल के लिए ले सकते हैं ये एग्जामिशन चार साल के कैलेंडर ईयर वाइज ब्लॉक होता है चार साल के ब्लॉक में आप मैक्सिमम दो साल के लिए ले सकते हैं जैसे हमारा अभी का जो ब्लॉक चल रहा है वो कैलेंडर ईयर 22 से 25 के बीच चल रहा है तो 22, 23, 24, 25 कैलेंडर ईयर ये चार ब्लॉक है इसमें से आप कोई भी दो साल के लिए एल का एग्जामिशन ले सकते हैं उसके बाद सेकंड परक्यूजेड होता है मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है कि बहुत बार एम्प्लॉयर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देता है या एम्प्लॉयर आपका ट्रीटमेंट कराता है पूरा पैसा एम्प्लॉयर देता है दैट इज कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी अब यहां पे ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है तो अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है तो देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट हो कहां पर रहा है तो ट्रीटमेंट या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में होता है या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में होता है या तो ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में होता है और उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है तो ये बेनिफिट आपके लिए पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा कुछ भी टैक्सेबल नहीं बट अगर मान लो आप तो बोलते हो नहीं नहीं हमारा ट्रीटमेंट तो प्राइवेट नर्सिंग होम में करवाना है हमारी कोई फेवरेट नर्स है उससे कराना है फेवरेट डॉक्टर है उससे हमारा ट्रीटमेंट कराना है अगर आप कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में वगैरह ट्रीटमेंट करवाते हो और पैसा एम्प्लॉयर देता है तो ये वाला बेनिफिट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अब अगर मान लो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो तो ट्रीटमेंट अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो बाहर जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो नॉर्मली एम्प्लॉयर आपको तीन चीज का बेनिफिट देता है एक तो आपके आने जाने का खर्चा है ट्रेवलिंग का एक आपका ट्रीटमेंट का खर्चा और एक वहां पे रहने का खर्चा और वो एम्प्लॉयर ने अगर रियम्बर्स किया एम्प्लॉयर ने पैसा दिया तो क्या होगा तो इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना अगर इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट होता है तो जो भी आपको ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है एज वेल एज द स्टे का बेनिफिट मिलता है वो एग्जेम्ट हो जाएगा विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब बाई आरबीआई

टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक बात समझना अगर मान लो ट्रेवल के लिए ट्रेवल का जो बेनिफिट है उसका उसका क्या क्या? होगा? क्योंकि फ्लाइट से आप इंडिया के बाहर गए होंगे, उसका क्या? और वो एम्प्लॉयर ने पैसा दिया तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ टू टू है तो, तो ये बेनिफिट का पूरा एग्जेमट है बट अगर ग्रॉस टोटल इनकम टू लैक से ज्यादा है तो ये पूरा टैक्सेबल है ठीक है तो देखो जो आपको बेनिफिट मिलता है ट्रीटमेंट एंड स्टे का वो तो एक्जेम होगा जितनी आरबीआई की लिमिट होगी उतना है लेकिन ट्रेवल का बेनिफिट जो मिला है वो एक्जेम कितना होगा पता है आपको देखना है आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है ग्रॉस टोटल इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ द टू लैख पूरा एग्जेम करना है बट अगर टू लैक्स से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ट्रेवल का बेनिफिट अब एक और चीज समझता क्वेश्चन ये आता है कि ट्रीटमेंट होना किसका चाहिए तो ट्रीटमेंट होना चाहिए एक तो एम्प्लॉय का या तो या फिर स्पाउस का या चिल्ड्रन का या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव और डिपेंडेंट रिलेटिव में वही मदर फादर ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे अब एक और चीज समझता है यहां पर जो आपका ट्रेवल का बेनिफिट है ना एज वेल एज द स्टे का बेनिफिट का एग्जामिशन दो लोगों के लिए मैक्सिमम मिलेगा एक तो पेशेंट के लिए जिसको, जो इसको जो बीमार है जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है और दूसरा उसके साथ में एक अटेंडेंट गया है तो अटेंडेंट जो एक है उसका एग्जामिशन आपको मिल जाएगा अब एक और चीज समझता है यहां पे ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर लेता है और एम्प्लॉयर क्या करता है एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम पे करता है तो वो प्रीमियम का बेनिफिट पूरा एग्जेमट है वो टैक्सेबल नहीं होगा वो प्रीमियम का बेनिफिट है वो पूरा है वो टैक्सेबल नहीं होगा अब एक और चीज समझता बहुत बार क्या होता है आपको पता है बहुत बार कोविड हुआ था बच्चों को बच्चों को क्या बहुत सारे एम्प्लॉयज कोविड हुआ था और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए पैसा एम्प्लॉयर ने दिया था और उन्होंने बहुत बार क्या होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली नहीं थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया तो क्या वो भी एग्जेप होगा आंसर इज यस यहां पे एक एग्जाम्शन ऐसा दिया था कि अगर मान लो कोविड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई और कोविड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई है और उसका अगर ट्रीटमेंट कराया जाता है और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया है। लेकिन कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट था तो वो बेनिफिट पूरा हो जाएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन है कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव रिपोर्ट जो आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है एम्प्लॉय की या फैमिली मेंबर की वो सबमिट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को वो डिटेल देगा एज वेल एज आपका सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर से रिलेटेड और जो कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड था सफर्ड विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बींग डिटरमाइन एज कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव मतलब कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव जैसे ही आप हुए उसके छह महीने के अंदर अंदर कोई बीमारी वगैरह हुई कोविड से रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय ने दिया वो पूरा एक्जेप्ट हो जाए जाएगा करके ठीक है और एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो एम्प्लॉयड ने कोविड ट्रीटमेंट कराया एम्प्लॉय के लिए भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया तो भी वो पूरा एक्जेम्प्ट हो जाएगा अब एक बात समझना बहुत

और माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट कितना एम्प्लॉय पे कर रहा है वो आप लेस कर दीजिए जो भी आपका डिफरेंस रेट रहेगा मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट कितना है उतना बेनिफिट टैक्सेबल होगा जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे एम्प्लॉय ने मेरे से फाइव लाख रुपीस का लोन लिया चलो मैंने उसको फाइव लाख रुपीज का लोन दे दिया अब मैंने उसको जो लोन दिया ना वो फोर इंटरेस्ट से दिया

एक साइकिल खरीदनी थी और उसके लिए उसने मेरे से टेन थाउजेंड का लोन लिया तो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा मीनस अपटू ट्वेंटी थाउजेंड का लोन है तो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं करना ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा लोन है तो ही बेनिफिट टैक्सेबल करना है और एक और चीज समझना यहां पे आपको क्या करना है अगर मान लो लोन जो लिया है वो कोई स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लिया है जैसे मान लो कोई दिल दैला देने वाली बीमारी हो गई एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय ने उस ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसका कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं करना भले यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका सॉरी uh, आपका लोन है वो ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा है यहां पे एक बात समझना आप जो एस का इंटरेस्ट रेट लोगे वो कौन सी डेट का लोगे तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट आपको लेना है फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर मीस प्रीवियस ईयर आपके लिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को एसबीआई का इंटरेस्ट रेट क्या है वो आपको लेना है ठीक है अब एक और चीज समझना यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा लेना है एवरी मंथ के लास्ट डेट को कितना आउटस्टैंडिंग था तो जैसे आपको मान लो अप्रैल में फॉर एन एक्साम्पल आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहे हो रीपे कर रहा है एम्प्लॉय है कुछ ना कुछ रीपे कर रहा है तो आपको देखना है कि अप्रैल के एंड में कितना होगा उस उसपे वन मंथ का इंटरेस्ट मेड में के एंड में कितना है उस उसपे वन मंथ का इंटरेस्ट वैसे आपको कैलकुलेट करना है बट अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो तो आप सीधा रेट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं चलिए उसके बाद नेक्स्ट परफ्यूज हटाता है गिफ्ट गिफ्ट के केस में अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट का क्या होगा अगर गिफ्ट पैसा मिला है कैश में मिला है तो पूरा टैक्सेबल कर दो बट अगर काइंड में मिला है मीनस अगर मान लो काइंड में मिला है जैसे कोई टीवी मिल गया गिफ्ट में या कोई रेडियो मिल गया मोबाइल फोन मिल गया तो अगर गिफ्ट है वो इन काइंड में मिला है तो उसमें आपको देखना है कि अगर उसकी वैल्यू लेस देन फाइव थाउजेंड है तो पूरा एग्जेक्ट है

को उस डेट की लेनी है जिस डेट को वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो एंप्लॉय ने जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन की आपको यहां पर एफ भी लेनी है अब यहां पर एक और चीज समझना सर आप बोल रहे हो कि एफ एम वी माइनस जो इशू प्राइस है वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा जैसे थ्री हंड्रेड का एफ e एमवी था 200 टैक्सेबल हो गया लेकिन एम्प्लॉय जाके उस शेयर को बेचेगा तो कॉस्ट कॉस्ट क्या लेगा तो आपको फिर 300 लेनी है क्योंकि हंड्रेड रुपीज आपने को दिया था टू हंड्रेड पे आपने सैलरी में पे किया तो अब आपकी कॉस्ट है वो थ्री हो जाएगी तो फ्यूचर में अगर वो शेयर को बेचते और कैपिटल गेन लगता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन आपको थ्री लेना है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं यूज ऑफ मूवेबल बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर क्या करता है एम्प्लॉय कोई असट यूज करने के लिए देता है कि चल तेरे घर पे ये यूज ले कर लेकर के ठीक है जैसे घर के लिए मान लो रेडियो दे दिया टीवी दे दिया फ्रीज दे दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा तो अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कोई यूज़ करने के लिए दिया है आपको देखना है घर पर बैठे बैठे भी तो उसको कोई बेनिफिट ज्यादा मिलता नहीं है, हो सकता कभी कभी कुछ मूवी देख लेता होगा नेटफ्लिक्स पे वगैरह बट ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है तो वो भाला पूरा एग्जाम होगा अगर आपने यूज करने के लिए लैपटॉप दिया या फिर कंप्यूटर दिया तो पूरा एग्जाम अगर, लेकिन अगर आपने कोई अदर अट दी तो जैसे टीवी है एसी है एटसेट्रा एटसेट्रा एट अगर अदर सेट दी तो अब वो अदर असेट में आपको देखना है कि वो असेट है किसकी अगर एम्प्लॉयर की खुद की है अगर एम्प्लॉयर की खुद की असट है और एम्प्लॉयर ने खुद की असेट ही एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल बेनिफिट होगा ऑफ द कॉस्ट मीन उसका जितना कॉस्ट था उस का मल्टीप्लाई बाय के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर वो हायर्ड बायर मीन एम्प्लॉयर ने भाड़े पर लाकर वेट यूज करने के लिए दी है एम्प्लॉय को तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल अट बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असट बेच देता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में एक कार थी और वो कार मैंने मेरे एम्प्लॉय को सस्ते में दे दी मेरे पास एक साइकिल थी वो सस्ते में दे दी मेरे पास कोई फर्नीचर था वो सस्ते में मैंने एम्प्लॉय को बेच दिया अगर ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल असेट है तो क्या होगा तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा जो भी आपका डब्ल्यू है माइनस एम्प्लॉय कितना पैसा दे रहा है डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा जैसे मान लो मैंने कार है मेरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी उसका डब्ल्यू डीवी है वो टू लैक है बट एम्प्लॉय ने मुझे उसमें फिफ्टी थाउजेंट ही दिया तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का उसको बेनिफिट हुआ तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट आपको कैसे निकालना है आपको देखना पड़ेगा वो असट कौन सी है अगर कंप्यूटर एंड लैपटॉप है तो बेटा टैक्सेबल अमाउंट होगा डब्ल्यू डीवी माइनस कंसिडरेशन लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे डब्ल्यू निकालते टाइम आपको डेप्रिशिएशन कंसिडर करना है एट द रेट फिफ्टी परसेंट ऑन द डब्ल्यू मेथड

थ्रू द डब्ल्यू डीवी मैथड लेकिन अगर वो कार है तो यहां पर डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है बाय अपलाइंग द डेप्रिशिएशन एट द रेट ट्वेंटी परसेंट ऑन द डब्ल्यूडीवी मैथड मीन डब्ल्यूडीवी मैथड से आप ट्वेंटी परसेंट की रेट लेंगे और ट्वेंटी परसेंट की रेट से आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है लेकिन अगर कोई अदर असेट है तो जैसे मान लो कैमरा है साइकिल है बाइक है तो क्या करेंगे तो वहां पर डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है डेप्रिशिएशन लेना है टेन परसेंट ऑन एस एल एम मेथड थड से टेन परसेंट टेन परसेंट से आप लेस करिए और फिर डब्लूडीवी निकालिए तो देखिए मैंने क्या बोला अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल ट्रांसफर करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिड्रेशन पेड बाय द एम्प्लॉई लेकिन डब्ल्यूडीवी कैसे निकालना है तो कंप्यूटर लैपटॉप के केस में डब्ल्यूडीवी निकालना है बाय अपलाइंग फिफ्टी परसेंट रेट थ्रू द डब्ल्यूडीवी मेथड कार के केस में 20% परसेंट डब्ल्यू डीवी मेथड और अदर असेट के के केस में 10% परसेंट एस एल एम मेथड से आपको डेप्रीसिएशन लेस करना है लेकिन एक और चीज समझना यहां पर डेप्रिशिएशन सिर्फ आप कंप्लीटेड ईयर का लेस करोगे कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी कार खरीदी थी मैंने मैंने खरीदी थी कारुलाई नाइन टू थाउजेंड एंड एटीन को तो यहां पर कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा थर्टीथ जून टू थाउजेंड नाइनटीन है ये एक कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा तो जितने ईयर कंप्लीटेड है जितने कंप्लीटेड ईयर है उतने ईयर के लिए आपको डेप्रिशिएशन यहां पे लेस करना है डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसके बाद होता है लंच फैसिलिटी बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में लंच करवाता है कि चलो यहां पर लंच करिए और लंच का पैसा एम्प्लॉयर देता है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं है, तो फिफ्टी रूपीज तक एक्ट है उसके वाला हो जाएगा। तो जैसे लंच दिया जाता है उसकी वैल्यू फिफ्टी है तो फिफ्टी रुपीज, तो रुपीज तक है, 50 के वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन ऑफिस में अगर चाय बिस्किट खिलाई जाती है ब्रेकफास्ट दिया जाता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा एज एज बहुत बार क्या होता है अगर फैक्ट्री

एंड बेटा एनपीएस में कंट्रीब्यूट अगर एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉयड ने अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया न्यू पेंशन स्कीम या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं वो पूरा टैक्सेबल है अब एक एक बात समझना यहां पे एक डाला गया दैट इज द सेक्शन 17 टू सब सेक्शन 7 और ये सबसे क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एनपीएस में न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम और अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में एएसएफ में में और एम्प्लॉयर ने किसी भी ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन सेवन लैखेंड से ज्यादा किया है तो बेटा के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है ना वो एम्प्लॉय के हाथ में एज अ पर माना जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा जैसे मैंने क्या बताऊं इधर देखो इधर देखो जैसे एक एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर ने क्या किया एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में एनपीएस में एंड अप्रूव सुपर एस एफ में इन तीनों में मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया नाइन लैख का तो लॉ लॉमिकर्स बोलते हैं कि को आप छोड़ दीजिए इसके ऊपर वाला जो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड है ना ये वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एज्यूजेट माना जाएगा और यह एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा तो ऐसा ध्यान रखिए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के लिए अगर आरपीएफ में एनपीएस में या एस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया तो इन एक्सेस ऑफ़ द टैक्सेबल इन ऑफ द एम्प्लॉय अब एक और ये 7, 50, से वाला 1, 50, है, ये तो टैक्सेबल होगा होगा लेकिन इस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पे जो भी इंटरेस्ट आएगा एवरी ईयर वो भी टैक्सेबल होगा लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इन्होंने एक सेक्शन सेक्शन बनाई, द क्लॉज नंबर इंटरेस्ट एवरी ईयर आएगा उस पे जो इनकम एवरी ईयर आएगा वो भी टैक्सेबल होगा लेकिन वो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया एक फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला क्या बोलता है समझने की कोशिश करना फॉर्मूला है कि टीपी मीन आपको क्या निकालना है कि 750 से ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर का है है उस पे हर साल इनकम इनकम कितनी अक्रू हो रही है, वो भी टैक्सेबल करना है एज अ मानना है लेकिन वो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया कि टीपी टीपी का मतलब होता है कि टैक्सेबल अंडर सेक्शन पर मीन इंटरेस्ट कितना आया सेवन से ऊपर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉयर के अब एक बात बताओ कैसे निकालना है तो पीसी डिवाइड बाई टू करिए मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी वन प्लस टीपी वन मल्टीप्लाई बाय आर तो एक फॉर्मूला बन गया पीसी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी वन प्लस टीपी वन मल्टीप्लाई बाय आर तो देखो क्या बोला मैंने पीसी डिवाइड बाय टू पीसी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी वन प्लस टीपी वन प्लस पीसी वन प्लस टीपी वन मल्टीप्लाई बाई आर अब एक बात समझो अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये पीसी का मतलब क्या है तो मैं बताऊं ये फर्स्ट पीसी जो है पीसी का मतलब होता है प्रेजेंट करंट ईयर ऐसा याद रखो प्रेजेंट करंट ईयर वैसा वाला करके ठीक है पीसी का मतलब होता है कि इस साल में एम्प्लॉयर ने सेवन फिफ्टी से कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया जैसे फॉर एन एग्जांपल अपने एग्जाम्पल में इस साल में एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ज्यादा कितना ज्यादा तो कॉन्ट्रीब्यूट किया दैट इज कॉल योर पीसी डिवाइड बाई टू कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय आर क्या है वो बताऊंगा अब क्वेश्चन आता है पीसी वन क्या होता है पीसी वन का मतलब होता है कि बाबू पिछले सालों में पिछले सालों में मीन लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने 750 से ज्यादा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसको अक्यूमलेट कर दो जैसे लास्ट ईयर एम्प्लॉयर ने टेन लैक किया था उसके लास्ट ईयर भी टेन लैक किया था उसके लास्ट ईयर भी टेन लैक किया था तो मैं बोलू 50, टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैक फिफ्टी थाउजेंड टू लैक फिफ्टी था वो ले लीजिए आप तो इन सिंपल वर्ड में यह कि के पीसी वन का मतलब होता है कि लास्ट ईयर्स में एम्प्लॉयर ने सेवन फिफ्टी से कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो ले लीजिए पीसी वन अब आप बोलोगे टीपी वन का मतलब क्या होता है टीपी वन का मतलब होता है कि लास्ट ईयर्स में कितना इनकम इस पर्टिकुलर सेक्शन में टैक्सेबल हो चुका है मीन कितना इंटरेस्ट सेवनटीन टू सेवन ए में टैक्सेबल हुआ था पिछले सालों में कितना इंटरेस्ट इस 17 to 7A में टैक्सेबल हो चुका है वो ले लीजिए टीपी वन अब मल्टीप्लाई यहां पे भी आर और यहां पे भी आर आर का मतलब क्या तो आर के लिए इन्होंने बोला आप एक काम करिए आर निकालने के लिए आई डिवाइड बाई एफ एवरेज कर दीजिए आई डिवाइड बाय एफ एवरेज कर दीजिए लेकिन क्वेश्चन ये आता है आई का मतलब क्या तो आई का मतलब होता है कि करंट ईयर में आपको एनपीएस एस एफ एंड आरपीएफ से कितना इनकम हुआ करंट ईयर में आपको आरपीएफ एनपीएस एंड एएसएफ से कितना इनकम हुआ वो ले लीजिए डिवाइड बाय एफ एवरेज बट एफ एवरेज का मतलब क्या तो एफ एवरेज का मतलब होता है आप एक काम करिए कि आपका जो आरपीएफ एनपीएस एस एफ का इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लस करिए क्लोजिंग बैलेंस कितना है और डिवाइड कर दीजिए टू डिवाइड कर दीजिए टू तो ये आपका आ जाएगा एफ एवरेज यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अगेन मैं आपको बता रहा हूं समझने की कोशिश करना मैंने आपको बोला कि यहां पे सेक्शन 17 टू ए में क्या होता है कि सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उस पे जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा बट वो कैसे टैक्सेबल होगा उसके लिए फॉर्मूला है पीसी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी वन प्लस का मतलब होता है करंट ईयर में सेवन फिफ्टी से ऊपर वाला जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है डिवाइड बाई टू कर दो पीसी वन का मतलब होता है लास्ट ईयर में सेवन फिफ्टी से जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ले लीजिए और यहां टीपी वन का मतलब होता है कि लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन सेवनटीन टू सेवन ए में वो एग्रीगेट कर लीजिए और आर का मतलब होता है आई डिवाइड बाई एफ एवरेज आई का मतलब करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट या इनकम हुआ आपको करके इस पर जो आरपीएफ वगैरह है एंड बेटा एफ एवरेज का मतलब होता है कि भैया ओपनिंग बैलेंस आपके इन फंड्स का कितना था क्लोजिंग बैलेंस कितना उसको ऐड कर दीजिए डिवाइड बाय टू कर दीजिए यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस मैंने आपको कंपाइलर में क्वेश्चन दिया है वो अगर आप देखोगे तो आपके सब फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट परक्यूजिट आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन या जिसको अपन हाउस फैसिलिटी बोलते हैं बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है कि चलो यार तुमको रहने के लिए हम घर देते हैं क्या बात करोगे तुम रहो हमने आपको घर दिया इस घर में रहिए करके ठीक है तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया तो दैट इज कॉल हाउस फैसिलिटी तो हाउस फैसिलिटी का बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में टैक्सेबल होगा जो गवर्नमेंट का रेडी रेकनर रेट या लाइसेंस फीस होती है लाइसेंस फीस है वो आपको एग्जाम में दे रखी होगी कि लाइसेंस फीस या रेडी रेकनर फीस है वो आपको एग्जाम में दे रखी होगी तो टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की फीस होगी उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा लेकिन अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है और आपको देखना है कि वो हाउस है किसका हाउस एम्प्लॉयर का ओन है मीन हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का खुद का घर है वो अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल कितना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा आइदर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंट ऑफ द सैलरी लेकिन आप बोलोगे कब 7.5 परसेंट लेना है कब 10 परसेंट लेना है कब 15 परसेंट लेना है तो आप एक बात बताओ एम्प्लॉय जहां पे जिस घर में रह रहा है उस एरिया का पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लैक है तो आप 7.5 परसेंट ऑफ सैलरी लीजिए अगर वो 10 लैख से ज्यादा है बट अप टू 25 फाइव लैक है तो 10 परसेंट लीजिए और 25 फाइव लैख से ज्यादा है तो 15 परसेंट ऑफ सैलरी आपको लेना है तो मैंने क्या बोला यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 7.5 तो और अगर ट्वेंटी से ज्यादा है तो आपको कितना लेना है 15 लेना है सैलरी का सैलरी का मतलब यहां पर बीडीबी एसीएम होता है बीडीबी एसीएम क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा दूसरा लेकिन अगर मान लो वो घर जो है वो एम्प्लॉयड ने भाड़े पे और को दिया है एम्प्लॉयर ने बेचारे ने खुद ने भाड़े पे लिया और एम्प्लॉय को बोला कि चल तू रह इसमें करके भाड़े पे लेके अगर एम्प्लॉय को दिया है

ए का मतलब होता है आपको टैक्सेबल अलाउंसेस कितने वो लेने हैं सी का मतलब होता है और M का मतलब होता है अदर मॉनेटरी इनकम अदर देन पर मॉनिटरी इनकम मीन जैसे आपने कोई ओवरटाइम काम वगैरह किया है तो वो लेना है तो सैलरी के डेफिनेशन में यहां पे आएगा बीडीबी एसीएम क्या बोलोगे बीडीबी एसीएम बी एसीएम बी का मतलब बेसिक डी का मतलब डी इन टर्म्स वाला बी का मतलब बोनस सी का मतलब

आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन वगैरह मिलता है वो भी कंसिडर नहीं करना क्योंकि जब रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद ऐसे भी वो घर किसका हो जाएगा ले लेगा आपको रहने के लिए नहीं देगा उसके साथ में एक और चीज समझना एम्प्लॉयर का जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन रहता है या एम्प्लॉयर जो इंटरेस्ट वगैरह उस पे होता है वो भी आपको नहीं करना यहाँ पे आपको सैलरी का मतलब बी बी डी सी का मतलब terms, का मतलब bonus, का मतलब कमीशन ए का मतलब, का टैक्सेबल अलाउंस और एम अदर मॉनिटरी इनकम उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है होटल बेनिफिट अब एक बात समझना ये होटल बेनिफिट कब दिया जाता है कि अब आपको बहुत बार होटल में रहने के लिए एम्प्लॉयर देता है तो होटल बेनिफिट के, के केस में आपके लिए परक्यूजेड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना होगा ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड

एम्प्लय अगर कुछ ना कुछ रेंट दे रहा है एम्प्लॉयर को तो जितना एम्प्लॉय आपका लेस हो जाएगा जितना एम्प्लॉय दे रहा है वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कार फैसिलिटी अब एक बात समझता कार फैसिलिटी क्या है तो कार फैसिलिटी के case में एक चीज ध्यान रखना कार अगर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी जाती है लेकिन वो कार पूरा ऑफिस पर्पज के लिए है अगर कार फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए है तो एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा वो पूरा ही एक्जेमट है उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना लेकिन कार अगर पर्सनल पर्पज के लिए है और फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए है तो फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए है तो यहां तो पूरा ही टैक्सेबल होना चाहिए ये तो यूज ऑफ मूवेबल असेट हो गया तो अगर फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए कार दी जाती है तो टैक्सेबल कितना होगा एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट तो सबसे पहले इफ कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर तो, तो आप टेन परसेंट ऑफ द कॉस्ट ले लीजिए हायर बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर ले लीजिए अगर एम्प्लॉयर है वो तेल भी भरवाता है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड एम्प्लॉयर है उसको ऐड कर दीजिए अगर मान लो एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का सैलरी है वो भी ऐड कर दीजिए इतना बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन अगर मान लो कार पीओपीपी पर्पज के लिए है पीओपीपी -पी -पी का मतलब होता है आपका पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल मीन बहुत बार कार क्या होती है कुछ टाइम के लिए ऑफिस के लिए यूज करते हो कुछ टाइम के लिए आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा तो लॉ यहां लॉमेकर बोलते हैं कि अगर पीओपीपी पर्पज के लिए कार है तो आपको यह देखना पड़ेगा कार है किसकी कार अगर एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉ की खुद की बेचारे की कार है कार एम्प्लॉय की है और पीओपी के लिए है एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस मीन तेल भी भरवा रहा है वो एम्प्लॉय भरा रहा है तो तो इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ देखो कार एम्प्लॉय की है एम्प्लॉय की है पेट्रोल भी एम्प्लॉय भरा रहा है तो तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसको एम्प्लॉयर से तो बेटा कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना बट अगर कार एम्प्लॉय की है और पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है मीन एम्प्लॉयर जो है वो पूरा तेल भरवा रहा है तो बेटा इसमें क्या होगा पता है कि जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया जितना एम्प्लॉयड ने खर्चा किया मींस एम्प्लॉयड ने जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे किया है माइनस कर दीजिए 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ फिक्स अमाउंट आप माइनस करिए 1800 पर मंथ तब करना है जब कार 1600 सीसी तक की है और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 है वो आप क्या करिए पर मंथ माइनस कर दीजिए जो भी बचेगा ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा तो देखो कार एम्प्लॉय की है तेल भी एम्प्लॉय भरा रहा है कोई बेनिफिट नहीं नथिंग इज टैक्सेबल कार एम्प्लॉय की है अगर पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है तो जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से आपको माइनस करना है 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ उतना बेनिफिट आप माइनस कर दीजिए जो बचेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा अब एक चीज समझना ये एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता एग्जाम में आता है कि कार एम्प्लॉयर की है और कार एम्प्लॉयर की है और अगर पेट्रोल एम्प्लॉई भरा रहा है तो थोड़ा तो बेनिफिट हुआ क्योंकि कार पीओपीपी पी पी पर्पस के लिए है तो बेनिफिट कितना टैक्सेबल करना है पता है 600 पर मंथ या 900 पर मंथ का फिक्स अमाउंट है उतना टैक्सेबल करना है 600 पर मंथ तब करना है जब कार अप टू 1600 सीसी है या इसको 1.6 लीटर भी बोलते हैं एंड अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल कर दो लेकिन अगर कार एम्प्लॉयर की है और पेट्रोल भी भराता है तो टैक्सेबल होगा तब टैक्सेबल करना है जब अपू सिक्सटीन हंड्रेड सीसी की सिक्सटीन हंड्रेड से ज्यादा है तो टू पर मंथ है वो फिक्स टैक्सेबल करना है एम्प्लॉय के हाथ में तो देखो एग्जाम के लिए नॉर्मली आपको ये वाला पार्ट है वो याद रखना है एम्प्लॉयर की कार है तेल एंप्लॉय ने भरवाया तो तो 600 900 पर मंथ टैक्सेबल करना है एम्प्लॉयर की कार है और तेल भी एम्प्लॉयर ने ही भराया तो 1800 2400 पर मंथ है वो टैक्सेबल करना है अब एक बात समझना पीओपीपी -पी -पी वाला जो कार होता है उसमें अगर ड्राइवर भी एम्प्लॉयर देता है ड्राइवर भी एम्प्लॉयर देता है तो आपको क्या करना है 900 पर मंथ है वो टैक्सेबल करना है 900 पर मंथ एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करना है अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कार पीओपीपी के लिए दी मान लो दो कार पीओपीपी के लिए दी तो उसमें एक कार को पीओपीपी मानेंगे दूसरे वाले को फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए मानेंगे और टैक्सेबल कर देंगे अब एक चीज समझना बहुत बार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए जिसको अपन फ्री टिकट बोलते हैं तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर एयरलाइंस वाले एम्प्लॉयज को एयरलाइंस की फ्री फैसिलिटी दी जाती है वो है अगर रेलवे वाले एम्प्लॉयज को रेलवे की फैसिलिटी दी जाती है वो एग्जेम्ट है बट बाकी एम्प्लॉय को अगर मान लो बस वालों को बस की फैसिलिटी दी जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अब बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है आपको एजुकेशन फैसिलिटी देता है एजुकेशन फैसिलिटी देता है तो उसमें क्या होगा अगर मान लो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को खुद को एजुकेशन फैसिलिटी दी तो तो पूरा एग्जेम्ट है अगर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दी तो अगर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दी तो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दी तो वो एग्जेप्ट हो जाएगा अगर उस एजुकेशन की वैल्यू अप टू वन थाउजेंड पर मंथ है पर चाइल्ड मिस पर चाइल्ड पर मंथ अगर अप टू वन थाउजेंड है तो तो एग्जेम हो जाएगा वन थाउजेंड से ऊपर है तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन ये भी एग्जेम्पन तभी मिलेगा जब एजुकेशन दिया जा रहा है वो एम्प्लॉयर के या तो ओन इंस्टीट्यूशन uh, में दिया जा रहा है

उसके बाद अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई का फैसिलिटी दिया जाता है ये पूरा टैक्सेबल होगा फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया जा रहा है ये पूरा टैक्सेबल होगा एनी अदर दिया जा रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक बात बताऊं कुछ होंगे एक तो अगर आपको कोई टेलीफोन या मोबाइल का बिल या पेड किया जाता है रियम्बर्समेंट किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा तो वो पूरा है मीन टेलीफोन का बिल है वो एम्प्लॉयर भर रहा है आपके घर का हो आपके पास में मोबाइल का हो कोई भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है टेलीफोन का बेनिफिट तो वो पूरा एग्जाम होगा दूसरा अगर स्कॉलरशिप दी जाती है एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को तो वो पूरी एग्जाम होगी बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गुड्स बेचता है रीजनेबल प्राइस में जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके भैया है वो बिग बाजार में काम करते हैं और बिग बाजार या डीमार्ट में काम करते हैं और उनको सस्ता सामान मिलता है तो वो बेनिफिट पूरा एग्जेम होगा एंड बेटा नॉन मॉनिट्री परक्यूजिट पर टैक्स है अगर एम्प्लॉयर बढ़ता है एम्प्लॉय का एम्प्लॉय का नॉन मॉनिट्री परक्यूजिट है उस पर टैक्स अगर एम्प्लॉयर बढ़ता है तो वो टैक्स वाला जो बेनिफिट है वो एक्जेप्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन टेन सी सी करके अब एक चीज समझना प्रोफेशनल टैक्स ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि अगर आप कुछ भी इंडिया में करते हो तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स लेती है अब ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स का आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 जितना प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया उतना डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 16 मिल जाएगा लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयड ने भरा तो पहले तो वो परक्यूजेड बन जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा और फिर आप उसका डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन सिक्सटीन बट अगर आपने खुद ने ही प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन सिक्सटीन खुद का मतलब एम्प्लॉय करके ठीक है तो देखो एम्प्लॉयड ने पे किया है तो पहले तो आप उसको टैक्सेबल करिए, फिर उसका पूरे का डिडक्शन ले लीजिए बट अगर एम्प्लॉय ने करा है तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय ने खुद की पॉकेट से प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन सिक्सटीन। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस तो देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मिलता है तो, तो वो टैक्सेबल करने का क्योंकि कुत्ता टीसी उधर है वाले में ही एक्जेंशन मिलता है बाकी सब टैक्सेबल है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मिलता है तो तो टैक्सेबल कर देना बट एक्जें किसको मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे एक्जेंशन मिलती है एक्जेंशन कितना मिलेगा ट्वेंटी ऑफ द बेसिक सैलरी या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसिव और मैक्म फाइव एवर इज लोअर अब एक और चीज समझना आपको एक फिफ्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में तो जो भी आपका सैलरी इनकम है ग्रॉस सैलरी या फिफ्टी थाउजेंड विचेवर इज लोअर जैसे सैलरी किसी की फोर्टी है तो पूरा फोर्टी डिडक्शन मिल जाएगा

एग्जैक्टली आफ्टर वन ईयर आपकी सैलरी में वन वन थाउजेंड इंक्रीज होगा एवरी ईयर वन वन थाउजेंड इंक्रीज होगा तो अगले साल आपकी सैलरी है वो इलेवन थाउजेंड रहेगी उसके अगले साल ट्वेल्व थाउजेंड रहेगी उसके अगले साल थर्टीन थाउसेंड रहे बट थर्टीन थाउजेंड को जैसे ही टच कर दिया उसके बाद आपकी सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट फिफ्टीन हंड्रेड का होगा तो थर्टीन थाउजेंड के बाद आपकी सैलरी है वो फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाएगी पर मंथ दैट इज कॉल योर पे स्किल उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द रिबेट अंडर सेक्शन एटी नाइन ये 89 का रिबेट कम मिलता है एक बात समझना अगर मान लो आपका कोई अरियर सैलरी अब मिल जाता है पहले सैलरी को लेके कोई डिस्प्यूट था और अरियर सैलरी अगर अब मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन एटी का अब ये रिबेट कैसे मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करने का देखो सबसे पहले अरियर सैलरी जिस ईयर में मिला उस ईयर में टैक्सेबल होगा तो इस साल में बेटा आप करंट ईयर की सैलरी और पुरानी अरियर सैलरी उसको ऐड कर दीजिए उस पर टैक्स निकाल दीजिए अब उसमें से रिबेट कैलकुलेट करना है रिबेट कैसे कैलकुलेट करना है पता है है पता आपको देखो चार स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आप एक काम करो करंट ईयर पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग पुराना सैलरी दूसरा करंट ईयर की सैलरी पे टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग पुराना सैलरी पुराना सैलरी छोड़ दो अरियर सैलरी को छोड़ दो और करंट ईयर की सैलरी पे आप टैक्स निकाल दो तो मैं बताऊं पहले पहले आपने क्या किया था इंक्लूडिंग अर सैलरी दूसरा एक्सक्लूडिंग अर सैलरी करंट ईयर में टैक्स निकालो और उन दोनों का डिफरेंस ले लो अब आप एक काम करो जिस ईयर का वो अरियर सैलरी है उस ईयर में टैक्स निकालो मीनस उस ईयर का टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अर सैलरी एंड एक्सक्लूडिंग अर सैलरी एंड उसका डिफरेंस ले लो अब एक बात बताओ इसका जो डिफरेंस आया था इस डिफरेंस में से उसका डिफरेंस लेस कर दो जो बचेगा वो आपका रिबेट बन जाएगा अंडर सेक्शन दे रखा है में आप वो टैक्सेबल होता है ईसॉप में कितना टैक्सेबल होगा जो एफ रहेगा उस ई का माइनस जितना इशू प्राइस डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा अब एक बात समझना ये मैंने आपको एफ लेना कैसे है एफ एम कौन से डेट का लेना है तो एफ आपको उस डेट का लेना पड़ता है, तो है? है, है, e है तो आपको क्या करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट डेट इन स्टॉक एक्सचेंज मीन ओपनिंग प्राइस क्या था क्लोजिंग प्राइस क्या था उसका एवरेज ले लीजिए लेकिन मान लो उस दिन अगर ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है उस दिन अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था उसका आपको जब पिछले दिन जब ट्रेडिंग हुआ था कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था उसका आपको क्लोजिंग प्राइस लेना है देखो बेटा इसमें क्या है अगर जिस दिन ट्रेडिंग हुआ है तो तो आपको क्या करना है एवरेज लेना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का

कि आपकी 115 वन फाइव बीएससी है ना वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम मतलब कुछ भी नहीं बोला तो 115 वन फाइव बीएससी फॉलो करना है अब एक बात बताऊं 115 BAC अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपको पांच बेनिफिट नहीं मिलते सैलरी में पांच बेनिफिट सरेंडर करने पड़ेंगे आहूतियां देनी पड़ेगी पांच बेनिफिट को आपको छोड़ना पड़ेगा कौन कौन से पांच बेनिफिट सबसे पहला तो आपको पता है एल टीसी का मैंने एग्जेम्पन बताया था टेन फाइव वाला वो एलटीसी का एग्जेम्पन आपको नहीं मिलेगा लीव ट्रेवल कंसेशन का एक्जेम्पन आपको नहीं मिलेगा दूसरा आपको एचआरए का एग्जामेशन नहीं मिलेगा तीसरा आपको कोई भी अलाउंसेस के जो एक्सामेशन थे ना के नहीं मिलेंगे जैसे वो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह वो, वो नहीं मिलेंगे लेकिन डीटीडीसी मिलेगा डीटीडीसी का मतलब डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय को जो कम्यूटेशन अलाउंस का एक्जामेशन मिलता है थ्री पर मंथ वो मिलेगा टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस डी का मतलब होता है डेली अलाउंस और सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस इसमें क्या होता है जितना अमाउंट आप स्पेंड करते हो उतने का एक्जामेशन मिलेगा वो मिलेगा एग्जामेशन एंड गाइज उसके बाद में एक बात बताओ क्या क्या बेनिफिट सरेंडर करने पड़ेंगे तो आपको टेन फाइव का एग्जामेशन लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्शन नहीं मिलेगा ये पूरा टैक्सेबल होगा एचआरए का एग्जामेशन नहीं मिलेगा ये पूरा टैक्सेबल होगा तीसरा आपके अलाउंसेस के एग्जेपन नहीं मिलेंगे बट डीटी का एग्जेम्पन मिल जाएगा चौथा आपका सेक्शन सिक्सटीन में एक चीज ध्यान रखना जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पन है एंड प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेपन है बेसिकली डिडक्शन बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा तो so, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन टू एंड सिक्सटीन थ्री एंड सिक्सटीन थ्री फॉर द एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्सेज है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड उसके साथ में गाइस आपको पता है अगर आपको फ्री मिल दिया जाता है ऑफिस में तो पचास रुपए की अगर वैल्यू है तो पचास रुपए तक एग्जेम होता है उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा वो एग्जेम्पन आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जब आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम वन वन में जाते हो बट अगर आप उससे डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से ऑप्ट आउट करते हो और नॉर्मल प्रोविजन में जाते हो तो ये एग्जेम्पन डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो गाइस यहां पे आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है इस टॉपिक का नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी कम से कम 10 से 15 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी बैठेगी और मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत लाइक अच्छे से रिवाइज कराया हर कॉन्सेप्ट को मैंने दो दो तीन तीन बार है वो रिविजन लेक्चर में एटलीस्ट आपको रिवाइज कराया है तो अब आपकी ड्यूटी है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक रहती है कि आपको लास्ट डे तक हम आपको सपोर्ट कर सके हम आपको रिवाइज करा सके आपको क्लास में पढ़ाया भी है आपके पास नोटबुक भी है आपके पास कॉम्पैक्ट भी है अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करें और अच्छे से नंबर लेके आए बिकॉज गाइज क्या होता है ना क्या आपकी लाइफ में आप अगर पास होंगे या आप अगर फेल होंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही होकर ठीक है यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इस दुनिया में कोई किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता करिए ठीक है आप अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हो वाई बिकॉज एक चीज आपने नोटिस की होगी कि लाइक हम जब बच्चों हमारा रोल कितना है आपके सक्सेस में या आपके फेलियर में हमारा रोल जो है ना वो ओनली फाइव परसेंट है नाइन्टी फाइव परसेंट इज योर रोल अगर आप रैंक लेके आएंगे तो भी वो आपके वजह से लेके आएंगे अगर आप नहीं कर पाते तो भी उसमें आपका रोल है तो एक चीज बताऊ ना देखो यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ आपकी लाइफ के मेकर एंड ब्रेकर आप है दुनिया में एक बात बताऊं जब आप जीत रहे होते हो ना जब आप पास हो जाते हो सब लोग आपका क्रेडिट लेते हैं हम लोग भी आपका क्रेडिट लेते हैं आपके मम्मी पापा भी लेते हैं सब लोग लेते हैं अरे यार हमने वो वो ऐसे किया था इसलिए लाइक ये हुआ था एंड ऑल तो मैं बोलता हूं आपको जीतना है आपको मेहनत करनी है और ये चार पांच महीने का तो सवाल है यार एग्जाम के लिए और अगर ये तीन चार महीने चार पांच महीने जो भी आपके एग्जाम के बचे हैं इसको आपने हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज अच्छे से कर लिया ना आई स्वेर आप लोग अच्छे से अगर उसको यूटिलाइज करते हो ना आप आराम से पास हो जाओगे आराम से पास होंगे अच्छे नंबर से पास होंगे करके और मैं बताऊं यही वाला टाइम है जब आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना बिकॉज रिजल्ट हर किसी को चाहिए हर कोई चाहता है मेरी रैंक आ जाए ऑल इंडिया रैंक वन आ जाए ये हो जाए वो हो जाए चाहता बहुत कुछ है बट उसके लिए करना पड़ता है कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और जब आप अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे से जब आप चीजों को करोगे तब जाके जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है अपने साथ में और मैं बता दू आप ये ये सोच के चलिए जो एग्जाम आप देने वाले हैं ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्जाम है मीन इंटरमीडिएट का एग्जाम है ये आपके लिए लास्ट है अब सीधा सी फाइनल में मिलने वाले हैं तो उसी तरीके से तैयारी करिए बिकॉज क्या होता है ना लाइफ में बहुत बार जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो आप लाइक इंस्टाग्राम यूज करते हो टेलीग्राम और बाकी कुछ मूवी वगैरह वो उसमें बहुत मजा आता है वो देखना रील्स आजकल तो उसका एल्गोरिथम ही ऐसा है कि ये रील्स पे रील्स आती रहेगी आती रहेगी उसमें अच्छा है क्योंकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं अच्छा लगता है अपने को अच्छा फील होता है बट पढ़ना किसको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना बट मैं बताऊँ यही चीज़ है यही तो टाइम है जब आपको अपने कम्फर्ट से बाहर आना है और कम्फर्ट से बाहर आके तो देखिए एक बार मेहनत करके तो देखिए जबरदस्त मेहनत करिए मैं हमेशा बोलता हूँ गिव यूर हंड्रेड परसेंट आई सी आई विल गिव यू फिफ्टी परसेंट एंड वी नीड ओनली फिफ्टी परसेंट टू क्रैक द एग्जाम करके ठीक है तो भैया आप पास हो रहे हो और उसके बाद सी फाइनल में हम लोग मिलने वाले हैं चलिए आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू